ये है हाइड्रा क्रेन, देखिए वो ईंट अनलोडिंग कैसे हो रहा है। क्रेन से अनलोडिंग देखिए, ईंट उठाने का तरीका, न्यू टिप्स, एक नंबर का जुगाड़ है ये। देखिए जाली का भाई, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए कि हमारे भट्टी भाई, हमारे भट्टी में जो भी काम करने वाले भाई है, वो लोग को ज़्यादा तकलीफ ना हो। इससे ईजी क्या हो रहा है, उठ जा रहा है ईंट क्रेन से। देखिए एक बार में 1500 ईंट उठ रहा है क्रेन से, मतलब मिनिमम 1000 तक उठाना चाहिए। अभी हमारा भाई रिक्स लेके उठाया है 1500, इस पे क्रेन का बूम टूटने का भी चांस रहेगा, पूरा बूम निकल रहा है। मगर कम से कम 1000 ईंट मतलब एकदम आसानी से उठ सकता है। देखिए गाड़ी भी कटिंग हो गया है फुल, ये रख के जाली ऑटोमेटिक उठ जाएगा अपने मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। लेबर भाई लोग को बहुत मतलब आसानी से काम हो जा रहा है, पहले मुंडी से लेके चढ़ना पड़ रहा था भट्टी पे, अभी उसके लिए एक नंबर हो गया है। अभी देखिए हम ऑपरेटर के पास जा रहे हैं, ऑपरेटर से कुछ जानकारी लेंगे। अभी जाली देखिए पहले कैसा निकल रहा है, ऑटोमेटिक एयर सिस्टम बनाया हुआ है। अगला वीडियो में बनाएंगे, ऑपरेटर से इंटरव्यू लेंगे, इसके बारे में कुछ नॉलेज लेंगे कि लीवर किधर से लगाया है। जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा, जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि पहले आपके पास मैं दूसरा वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास पहुँचे। बहुत अच्छा आसानी से टिप्स है, एक नंबर का काम हो रहा है क्रेन से। देखिए ईट ईट निकल गया है, अपने ऑटोमेटिक एयर सिस्टम बनाया हुआ है। अब देखिए कितना आसानी से चल रहा है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बूम निकला हुआ है। इससे क्या हो रहा है, लेबर कम लग रहा है और लेबर लोग को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है भट्टी पे चढ़ने के लिए। ये ऑपरेटर है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से मिलूँगा, फिर ऑपरेटर से इंटरव्यू लूँगा इसके बारे में।